जिले के विद्यालय में शिक्षकों की हिटलरशाही रवैया सामने आया है। शिक्षकों की तानाशाही का आलम यह है कि छात्र छात्राएं आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं छात्रों द्वारा अपनी समस्या से अवगत करवाते हुए 12 सूत्री मांगों को लेकर उच्च अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई या जाँच नहीं होना छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ होना साबित हो रहा है। एक ओर सरकार द्वारा छात्र हित में बेहतर शिक्षा व छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर देश के विकास की ओर अग्रसर हो सकें और अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें, वहीं दूसरी ओर मुंगेली जिले के दसरंगपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा सरकार के छात्र हित के सपने को चकनाचूर करते हुए छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दसरंगपुर विद्यालय के छात्रों की माने तो वहां पदस्थ शिक्षकों द्वारा उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया जाता है कि छात्र छात्राएं आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। पिछले वर्ष शिक्षकों की प्रताड़ना से तंग आकर एक छात्रा द्वारा आत्महत्या की कोशिश भी की गई थी, लेकिन प्राचार्य व शिक्षकों द्वारा अपनी तानाशाही दिखाते इस गंभीर मामले को दबा दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद भी शिक्षकों की हिटलरशाही व तानाशाही रवैये में कोई कमी नहीं आई है। शासकीय उच्च माध्यमिक शाला दसरंगपुर के 12 सूत्री मांगों को लेकर डीओ सर के पास ज्ञापन दिए थे, जिसका कोई आवाज़ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, कई बच्चे भी हैं ऐसे करके जो निकल भी गए हैं दोबारा फैल हो गई और कई लोग तो पढ़ रहे हैं। आप लोगों को नोटिस भी दिया जाए? नोटिस और हम लोग कलेक्टर गए थे, ठीक है, तो कलेक्टर गए थे समस्या लेकर गए थे, समाधान अभी तक नहीं हुआ है और हमको नोटिस दे दिया गया था, वहाँ गए थे तो आवाज़ उठाए थे। ऐसा किसी बच्चे के द्वारा कोई इंटेंशन नहीं रहता कि उनको जो है फेल किया जाएगा। जो बच्चे उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं वैसा उनको प्रत्येक टीचर जो है नंबर देता है और किसी को कोई फेल करने की ऐसी कोई मेंटेलिटी किसी भी टीचर की नहीं रहती है। इतना ही नहीं, स्कूल में शाला विकास के नाम पर 150 रुपए पर स्टूडेंट वसूले गए हैं, लेकिन विद्यालय की स्थिति दयनीय बनी हुई है। वहीं स्कूल के छात्रों द्वारा हिम्मत दिखाते शिक्षकों के प्रताड़ना व अपनी समस्या के खिलाफ आवाज उठाते हुए जिले के उच्च अधिकारी से ज्ञापन सौंप शिकायत की गई थी, जिसके बाद स्कूल के शिक्षकों द्वारा छात्राओं को फैल करने की धमकियां दी जा रही हैं और इस वजह से छात्र छात्राएं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, जिससे उनके पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। जी, विद्यार्थी लोगों से लगातार प्रताड़ित करें सभी शिक्षक लोग। इसके कुछ विद्यार्थी अभी घटना है और पिछले सत्र में एक विद्यार्थी आत्महत्या जैसे कदम भी उठा ली शिक्षकों के प्रताड़ित से। कि सर, अगर कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई जनहित में कार्य करते हैं, उसको जो आगे जाते हैं या फिर कलेक्टर जो भी एप्लीकेशन लेके, तो उसको धमकी दिया जाता है कि आपको फैल कर देंगे या नौकर क्लास है हम लोग के हाथ में, ऐसा करके धमकी दिया जाता है। और जैसे कि शाला विकास के नाम पर गरीब छात्रों से 150 रुपये लिया जाता है, कुछ काम नहीं किया जाता, पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। वहीं उच्च अधिकारी के पास शिकायत पहुंचने के बावजूद छात्र छात्राओं के समस्या के समाधान की ओर ध्यान न देना और किसी भी प्रकार की कोई जांच या कार्रवाई नहीं करना छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ ही देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना साबित हो रहा है। बहरहाल दसरंगपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की तानाशाही रवैया जारी है और छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, लेकिन खबर के प्रकाशन के बाद देखने वाली बात होगी कि छात्र छात्राओं की समस्या का निराकरण करते जांच कार्रवाई की जाती है या फिर छात्र छात्राएं यूं ही आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होते रहेंगे। बच्चे जो शिकायत किए हैं मेरे तक बात नहीं आई और ये बच्चे जो है सीधे जो स्कूल की समस्या है वो स्कूल तक पहले पहुँचनी चाहिए थी, अपने टीचरों के माध्यम से मेरे पास पहुँचते और उसको हर संभव प्रयास किया जाता है कि हमारे जो भी बातें हैं, जो समस्या है, उसका समाधान करूँगा। और मैं तो बच्चों के हित के लिए ही काम करने के लिए बैठा हूँ, बच्चों के हित के लिए सभी काम करता हूँ। तो इस तरह से जो है बच्चों के द्वारा सीधे उच्च कार्यालय को जो शिकायत किया गया है वो ठीक उचित नहीं है, बच्चों को पहले मेरे को बताना था। मुंगेली से शुभम देवांगन व अविनाश कुलमित्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमझाझर।